जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कहा है कि स्टेटहुड और अन्य जितने भी मुतालबे हैं हमने नई दिल्ली के सामने रखे हैं और हमारा यह मानना है कि हमारे मुतालबों पर विचार विमर्श किया जाएगा और हमें स्टेटहुड फौरी तौर पर वापस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने बार बार ये कहा है कि दफा 370 और 35A का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हम इस हवाले से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, परंतु हम ये मानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो जख्म नई दिल्ली ने हमें दिए हैं वो उस पर मरहम भी लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोगों के दिल जीतने हैं तो नई दिल्ली को भी अपने फैसलों में बदलाव लाना होगा और सख्ती और जोर जबरदस्ती की पॉलिसी को छोड़ना होगा। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों पर बल दिया कि वो कश्मीर की तामीर तरक्की में अपना सहयोग करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो राजनीतिक पार्टी बनाई है और उनका जो लक्ष्य है वो साफ सुथरी राजनीति है और वो कभी भी कोई भी बात झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं दफा 370 को बहाल नहीं कर सकता हूँ, परंतु मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि स्टेटहुड के हवाले से यानी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस प्राप्त हो इसके लिए अभियान चला सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में जो भी होगा मैं वो कार्य करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि हमने बार बार इस हवाले से अपने अभियान में और तेजी भी लाई है। उन्होंने कहा कि जमीनों का हित हो या नौकरियों का, उस हवाले से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इस बीच जम्मू कश्मीर में विंटर गेम्स के हवाले से जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत सारी योजनाएं आरंभ कर रखी हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले कई एक डेस्टिनेशन हुआ करती थी, लेकिन अब जो स्थिति पैदा हुई है उसके अनुसार अब जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में टूरिस्ट डेस्टिनी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर विंटर्स में भी भारी संख्या में पर्यटक आ जाएं। उन्होंने कहा कि होटलों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और हमारे ये प्रयास है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जाए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा, बड़ी बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने माई टाउन माई प्राइड का। अब मैं यहाँ के बड़ा अमेज हुआ पब्लिक देखकर कि कितनी सारी पब्लिक यहाँ आई है अपने ग्रीवेंसेस के लिए, और मैंने देखा कि किस तरह हमारे कॉर्पोरेट साहिबान ने, हमारे डिप्टी मेयर साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खिताब किया, यहाँ पर लोगों की परेशानियाँ सुनी। मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पर कि कौन सी मेजर चैलेंज है यहाँ पर जो मैं भी अपने लेवल पर गवर्नमेंट को कन्वे कर सकता हूँ। ऐसे प्रोग्राम से होता क्या है कि हम लोकल लेवल पर आके गवर्नमेंट की हम लोगों की मसाइल देखते हैं और उनको सॉल्व। विंटर टूरिज्म तो एक बड़ा डोमेन है। इस बार हमारी प्राइमरी कोशिश जो है, जो ट्रेडिशनल गुलमर्ग है वो तो खुला रहेगा, लेकिन ये है गुलमर्ग के बारे में आपको बता दूं मैं कि इस बार हमने एक नई स्की लिफ्ट जो है बेबी स्लोप जो क्लब के साइड से है उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी एक और स्लोप है जो चर्च के साइड से है, वहाँ पर स्कीइंग होगी। इसके अलावा पहलगाम जो है उसकी हमारी यही कोशिश रहेगी कि पहलगाम पूरे विंटर खुला रहे 25th to 31st को। इसके अलावा दूधपथरी और यूसमर्ग में भी एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ कोर्सेज हमारे कुछ हो स्कीइंग वगैरह के, सो एटलीस्ट डेस्टिनेशन चल।